नितिन गडकरी का वचननामा सिर्फ एक जुमला है, यह कहना है महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार विकास ठाकरे का। उन्होंने बुधवार को पत्र परिषद लेकर इस विषय पर मीडिया से चर्चा की। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर संसदीय सीट के लिए जारी किए गए वचननामा को कांग्रेस ने जुमला पत्र कहा है। पार्टी ने गडकरी से 10 सवाल पूछते हुए दावा किया कि शहर में कहीं विकास नहीं दिखता है, अच्छे सरकारी स्कूल नहीं, सड़क पर गड्ढे हैं, नल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, लोग भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं। ऐसे में इन सवालों पर बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं है, यह कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने बीजेपी पर तीर दागे। वहीं विकास ठाकरे ने भी भाजपा के वचननामा का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कहा कि गडकरी ने दावा किया था आरटीओ कार्यालय बंद कराए जाएंगे, वे बंद तो नहीं हुए, शुल्क 3 गुना जरूर बढ़ गए हैं। ठाकरे ने कहा कि यह देश का चुनाव है, लेकिन वे जहां भी जा रहे हैं लोग मनपा से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की शिकायतें लोग कर रहे हैं। इससे नजर आता है कि भाजपा का विकास किस तरह झूठा है। मला वाटतं या सगळ्या निवडणुकीच्या फसव्या घोषणा आहे, वर्षानुवर्ष झालेल्या आहे। मागच्या 10 वर्षात का नाही दिलं हो? 10 वर्षात कोणी हात बांधून ठेवलं? कुठलीच अडचण नव्हती। महानगरपालिकेत तुम्ही होते, राज्य शासनात तुम्ही होते, केंद्र शासनात तुम्ही होते। जर एखाद्या पक्षाजवळ एक हाती सत्ता 10 वर्ष आहे, त्यांचे नेते कार्यक्षम आहे, तर या नागपूर शहरात एकही समस्या राहायला पाहिजे नव्हती। मुबलक पाणी मिळालं असतं 6 तास, आरोग्य केंद्रे बरोबर असते, शाळा बरोबर झाल्या असत्या, उद्यानं असते, खेळाचे ग्राउंड असते, एकाही भागामध्ये रस्ता नाही अशी बातमी नसते आली। आज गाड्या फसून झाल्या, पिण्याचे पाणी नाही, टँकर चालूनच झाले, मग या 10 वर्षात काय केलं? या 10 वर्षात खालपासून वरपर्यंत सगळंच होतं ना तुमच्याजवळ। जर एखादी अडचण की राज्यात नाही आहे तुम्ही आणि तुम्ही अडून झाले असं काही नव्हतं। नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में पावर है। आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहे, आम्ही राज्याचे बड़े केंद्रीय मंत्री आहे, मग का बरं पुण्यासारखं नागपूरमध्ये गर्दी झाली नाही? पुण्याचे लोक नागपूरमध्ये यायला पाहिजे होते नोकरीसाठी, ही किमया 10 वर्षात करू शकले असते। चुनाव चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक उठापटक जारी रहेगी, ऐसे में जनता किसे चुनकर देती है यह महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।